नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि टाटा ग्रुप का शेयर है। अगर ये शेयर आपको कभी भी गिरावट में मिलता है तो आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर है और ये स्टॉक्स कई सारे मिलीनियर को प्रोड्यूस किया है, कई सारे मिलीनियर को प्रोड्यूस किया है इस स्टॉक ने। तो चलिए इस वीडियो में हम उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो वो स्टॉक है टाइटन। दोस्तों टाइटन से ही राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है। तो ये स्टॉक्स आप जान सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है और इस स्टॉक में बीच में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। ये आप देखते हैं 1286 रुपीज़ का स्टॉक मात्र 800 रुपीज़ के प्राइस पे आपको मिल रहा था उस समय गिरावट में। अगर आपने उस समय नहीं बाय किया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस किया। अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट देखें तो ये स्टॉक देख सकते हैं काफ़ी बुलिश, मतलब काफ़ी चार्ट पे सॉलिड दिख रहा है ये स्टॉक्स। यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक्स जो है 5 रुपीज़ के आसपास आपको दिख रहा है कि 2000 ईस्वी के आसपास 2001 में ये मात्र 4 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता था। वहाँ से ये स्टॉक ने 1000 रुपये का जर्नी वहाँ से तय किया। साथ ही साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर और स्टॉक के स्प्लिट भी किया है स्टॉक ने। मतलब आप शेयर का आपका जो शेयर है, अगर 1000 शेयर आप बाय किए रहते तो आपका वो शेयर 20,000-40,000 शेयर हो गया रहता अभी तक। मतलब ये फ़ायदा होता है बोनस और स्टॉक के स्प्लिट का, साथ साथ आपको रिटर्न भी। यहाँ देखते हैं कि ये स्टॉक 5 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के एवब जा चुका है, साथ साथ आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बेनिफिट्स। तो ये मंथली चार्ट पे आपने देख लिया स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट पर देखते हैं तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट हमें बताता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर भी स्टॉक्स ने अपना पिछला लो कभी ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ इस पैंडेमिक को छोड़ दें। इस पैंडेमिक में जो गिरावट आया, इस गिरावट को छोड़ दें तो ये स्टॉक ने अपना प्रीवियस लो कभी भी ब्रेक नहीं किया था। तो काफ़ी देख सकते हैं चार्ट पे ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, तो काफ़ी अच्छे मतलब फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है और काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चलेंगे हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे। फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ टाटा ग्रुप की कंपनी का ये स्टॉक है तो उस कारण से भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका जो अभी मतलब ये चल रहा है लेवल, अभी इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर लेता है 1400 के लेवल को तो ये एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने मिल सकता है अगर 1400 के लेवल को क्रॉस करता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि 1400 के लेवल को क्रॉस करे तो वहाँ पर पोजिशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 1300 उसके नीचे होगा, मतलब 1250 रुपीज़ हमारा स्टॉप लॉस होगा और वहाँ से हम एक अच्छे टारगेट के लिए इंतज़ार करेंगे। वहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट मतलब आगे देख मिल सकता है। वहीं अगर हम डेली चार्ट पर बात करें तो डेली चार्ट पर भी देखते हैं स्टॉक जो एक स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेंड में है। यहां से आप देख लीजिए इस स्टॉक का जो ट्रेंड है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से ये जो ट्रेंड बना रहा है अपने लगातार इस ट्रेंड पे सपोर्ट ले रहा है, देख सकते हैं लगातार इस ट्रेंड पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है तो आप इस सपोर्ट का वेट कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो एक बड़ा वीकनेस आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है। अगर फिर से सपोर्ट लिया और इस लेवल को क्रॉस करता है 1400 के लेवल को तो एक बड़ा मोमेंटम वहाँ से आपको इस स्टॉक में देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये था टेक्निकल चार्ट पर आपका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होनी चाहिए। टारगेट यहाँ हमारा पहला 2000 रुपीज़ का होगा अगर 1400 के ऊपर जाता है स्टॉक, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगा। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं या अभी पोजिशन बनाते हैं या तो हम कहेंगे आप वेट एंड वॉच कीजिए थोड़ा सा। अगर फिर से ये अगर क्रॉस करता है 1400 के लेवल को तब आप इसमें पोजिशन बनाइए, या इसमें अगर करेक्शन आता है, वीकनेस आता है तो उसका वेट कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल्स का। कंपनी के वैल्यूएशन पर चलते हैं तो देख सकते हैं 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। डिविडेंड 400% फेस वैल्यू 1 का है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज का है। तो दोस्तों कंपनी का जो एक लार्ज कैप कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, और डिविडेंड की बात करें तो देख सकते हैं 2020 में एक बार, 19 में एक बार, 18 में, 17 में, 16 में, हर साल कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। बोनस 2011 में कंपनी पे किया है। स्टॉक स्प्लिट देख सकते हैं यहां पर 2011 में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, मतलब 10 गुना आपके शेयर को कर दिया और बोनस से आपके शेयर को 20 गुना कर दिया, मतलब 10 गुना स्प्लिट होने से और उसका डबल फिर बोनस से। तो देख सकते हैं कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। प्रमोटर्स का स्टेक 53% है कंपनी में। तो प्रमोटर्स का स्टेक देख लीजिए कितना है, 53%। तो काफी बेहतरीन प्रमोटर्स का स्टेक है कंपनी में। उसके बाद फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफी जबरदस्त है। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। 2016 में 11,000 करोड़ का था, वहां से बढ़कर हो गया 21
20,000 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखते हैं 2016 में 676 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और वहां से बढ़कर के ये हो गया 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है तो फाइनेंशियल कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। वहीं बैलेंस की बात करें तो बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बात करें शेयर कैपिटल 88 करोड़ का शेयर कैपिटल है। और नीचे चलते हैं रिजर्व और सरप्लस देख लीजिए, 6,500 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है कंपनी का। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 16 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है कंपनी, मतलब वर्चुअली डेट फ्री है कंपनी के ऊपर, कोई भी डेट नहीं है। तो और सारी चीज़ें कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। नन करेंट लाइबिलिटीज देख लीजिए, 1250 करोड़ का टोटल नन करेंट लाइबिलिटीज़ है। तो कंपनी का हर रूप से, फंडामेंटल रूप से और टेक्निकल रूप से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे शेयर में जब भी गिरावट में मिले तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।